बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, करड़ी सेना के लोगों ने भोपाल के ज्योति चौराहा पर किया चक्का जाम। करड़ी सेना के लोग बैठे धरने पर, चारों तरफ के रास्ते किया जाम। वाहन रोकने के लिए सड़कों पर लेटे, मांग की हत्यारे को गोली मारो, इनकाउंटर करवाने की मांग। जोरदार नारे और धरना प्रदर्शन जारी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। आम लोगों को हो रही है परेशानी। ये आज का धरना जो दे रहे हैं, कारण क्या है? देखिए, हमारे एक राष्ट्रीय नेता श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, समस्त राजपूत समाज के नेता थे और समस्त जातियों को उन्होंने समर्थन किया। दादा सुखदेव सिंह दोगामणि, जिनकी कल दिनांक को राजस्थान में नृशंस हत्या हुई है, हमारी उसी बात को लेकर समस्त समाज, राजपूत समाज में आक्रोश है और हम मांग करते हैं राजस्थान शासन और प्रशासन से कि उन हत्यारों का एनकाउंटर किया जाए तत्काल रूप से, अन्यथा वो अगर नाकाम होते हैं तो वो जिम्मेदारी हमें सौंपे। करणी सेना सक्षम है अपना बदला लेने के लिए, हम उन हत्यारों को सजा स्वयं देंगे। यदि सरकार हमारा साथ, कानून साथ नहीं देता तो कानून हम हाथ में लेने के लिए बाध्य होंगे। ये स्पष्ट चेतावनी हमारी वहाँ के शासन प्रशासन को है। इतिहास सबको पता है, राजपूत इतिहास अपना दोहराने में देर नहीं करेंगे अगर उनके साथ किसी तरह का न्याय नहीं किया गया तो अपना बदला खुद ले लेंगे। ये कब तक चालू रहेगा आपका? जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है। और वर्तमान तीनों राज्यों में जो सरकारें बनी हैं वो छत्रियों की देन से ही बनी है और लगातार हमारे समाज के नेताओं का राजस्थान में हत्या की जा रही है। आपने देखा होगा, जब जब भी वहाँ पे सरकार बदली है, हमारे प्रमुख नेताओं को या तो कानून से मरवा दिया जाता है या किसी खरीदे गए कायर जो कायर होते हैं उनसे मरवा दिया गया। तो ये चीजें हमारे साथ लगातार चल रही है। मांग करते हैं कि हत्याएं बंद हो, वरना हम कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर होंगे।